नमस्कार, ओम शांति। राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, आर्ट एंड कल्चर विंग के समापन सत्र में आप सभी दर्शकों व विशिष्ट कलाकारों का बहुत बहुत स्वागत है। जिसने कलम उठा ब्रह्मांड बनाया, मिट्टी से इंसान बनाया, कण कण को दिया आकार है, भगवान सबसे बड़ा कलाकार है। वो परम पिता परमात्मा ही है जिसने हम सभी को हमारी पहचान दी, जिसने हमारे जीवन को निखारा है। ईगो एक ऐसी चीज है जो हम सब में नहीं होनी चाहिए, एंड लाइक वी ऑल नो दैट वी शुड स्किप द ई एंड लेट इट गो। पर बहुत बार ये जानने के बाद भी इसे अपनी लाइफ में लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, मैं प्रतिमा, ये खत्म हुआ। वहाँ पे पता चला कि हम आत्मा हैं, हम अपना पार्ट बजाने आए हैं, दुनिया एक रंगमंच है। और रेडियो जॉकीज की बातें तो लोग बहुत ध्यान से सुनते भी हैं, एंड वी आर ऑलमोस्ट लाइक अ फैमिली मेंबर टू आवर रेगुलर लिसनर्स। तो सही बात, सही तरीका और सही सोच जो है वो लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। संगीत परमेश्वर से मिलने का सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका है। अगर सच्चे मन से सुर निकलते हैं, अगर कलाकार सच्चे मन से आराधना करता है, तो वो परमेश्वर को पा लेता है। आइए उस परमात्मा को याद करके इस सत्र का आगाज करते हैं। और आप सभी का वेलकम कर रही हैं तमिलनाडु से कुमारी देवप्रिया व भुवनेश्वरी इस भरतनाट्यम नृत्य द्वारा। स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा। मुष्टिकासुरचानूरमल्लमल्लविशारदपुवनयपीठमर्दनं कलिङ्गनर्दनं
कलाकार वो शख्स है जो सूनी जिंदगी में खुशियां बिखेर देता है। कलाकार वो शख्स है जो भाव और स्वभाव बदल देता है। कलाकार वो शख्स है जो दुख में भी सुख का अनुभव करा देता है। इसलिए सृष्टि नाटक का नायक है कलाकार। आइए इस विषय को विस्तार पूर्वक समझते हैं। आर्ट एंड कल्चर विंग के गुजरात जोन की जोनल कोऑर्डिनेटर ब्रह्मा कुमारी परम आदरणीय तृप्ति दीदी जी द्वारा। ओम शांति। सर्वोच्च कलाकार परमपिता परमात्मा, कल को आकार देने वाले आप सभी कलाकार एवं अन्य सर्व, आज आप सब विशेष ई कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं। आर्टिस्ट द हीरो ऑफ द वर्ल्ड ड्रामा, जैसे कोई भी सर्कस का जोकर होता है, सबको हंसाता है, वही एक बार जब डॉक्टर के पास जाकर कहता है मेरे जीवन में निराशा आती है, उसके लिए कुछ दवाई दो, तो डॉक्टर ने यही कहा कि सामने जो सर्कस है उसमें जोकर है, उससे जाकर मिलो, वो सबको हंसाता है। तो कहा कि वो ही जोकर मैं हूं। देखो डबल पर्सनालिटी आज ऐसी व्यक्ति की जीवन बनी हुई है। दूसरी बात, स्वीटनेस इन टंग, बोल में मधुरता, जीवन व्यवहार में मधुरता, तो उसकी जगह आज हम देखते हैं कि कड़वाहट, तुरंत हम रिएक्ट हो जाते हैं, अर्थात छोटी छोटी बातों को भी हम सह नहीं सकते हैं। अगर हीरो बनना है वर्ल्ड ड्रामा के, तो उसके लिए शांति और प्यार बड़ी आवश्यक चीज है। सच्चा हीरा, उसकी विशेषता क्या होती है, जो एक एग्जाम्पल देकर आपको बता रही हूं। एक बार एक राजा के दरबार में एक व्यापारी हीरे लेकर के आया, उसमें असली और नकली दोनों हीरे मिक्स थे, और कहा इसको अलग करो, रियल कौन है और नकली का क्या है। कई दूसरे हीरा पारखुओं को बुलाया था, लेकिन कोई परख नहीं सका, इतने वो समान थे, अंतर ही नहीं मालूम पड़ता था। तो ये बात आम पब्लिक में से एक अंधे के कानों तक पहुंची। वो गया दरबार में और कहा कि मैं सच्चा और झूठा हीरा क्या है वो बता सकता हूं। उसको देख करके, उसकी बात को सुन करके सब हंसने लगे, लेकिन उसने हीरो को, जो मिलावट वाले थे असली और नकली, उनको कुछ समय के लिए धूप में रखा। बाद में वो ले आया और उसमें से जो धूप में गर्म हुए उसको अलग किया और ठंडे को अलग किया। फिर उसने कहा कि जो धूप में ठंडे रहे वो है असली हीरे, जिसकी वैल्यू बहुत होती है। वैसे हमारे जीवन में भी ये कलयुग की विकारों की अग्नि में हम सब अपने जीवन को बिता रहे हैं। आसपास सब गरम और गरम करने वाले व्यक्तियां होती, और उसमें हम अगर ठंडे रहते हैं, शीतल रहते हैं, तो हम असली ही रहे हैं, हमारी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ऐसी शक्ति हम प्राप्त करें, इसलिए हम आप सभी को भी यही अनुरोध करती हूँ कि आप मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे, इस वर्ल्ड ड्रामा के हीरो बन सकते हो, ऐसी हमारी शुभकामना है। ओम शांति। रूहानियत वो रंग है जिसे बस निखारने की जरूरत है, इसलिए वो सर्वोच्च कलाकार जब इस सृष्टि रंगमंच पर आता है तो ये रंग स्वतः ही उभर आता है। ईश्वरीय ज्ञान और योग
कलाकार के जीवन को कैसे परिवर्तन कर देता है, आइए जानते हैं बिग बॉस सीजन 13 के विनर, खतरों के खिलाड़ी सीजन 7 के विनर, टीवी व फिल्म जगत के मशहूर एक्टर, मॉडल और टेलीविजन होस्ट सिद्धार्थ शुक्ला जी द्वारा। कहते हैं हीरो की एंट्री हमेशा धमाके से होती है। सिद्धार्थ शुक्ला, ओम शांति। मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं इस संस्था के साथ कुछ वक्त से जुड़ा हुआ हूँ, और एक चीज़ जो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं वो ये है कि चेंज इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ कॉन्स्टेंट, और यही चेंज हमें हर वक्त अपने अंदर लाना पड़ता है टू मूव ऑन, मूव अहेड इन लाइफ। और हम सब कोशिश करते हैं कि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई चेंजेस लेकर आएं, और मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा चेंज है जो हम लोगों को अपने अंदर लाना चाहिए, जिससे हम बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं और कलेक्टिव हो जाता है हमारे थॉट्स, और वी आर एट पीस विद आवर सेल्फ जब हम मेडिटेट करते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मैंने भी अपनी लाइफ में काफ़ी चेंजेस लाने की कोशिश की हैं जब से मैं संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि एज एक्टर्स हम यूजली थोड़े ईगोइस्टिक हो जाते हैं, और ईगो एक ऐसी चीज़ है जो हम सब में नहीं होनी चाहिए, एंड लाइक वी ऑल नो दैट वी शुड स्किप द ई एंड लेट इट गो। पर बहुत बार ये जानने के बाद भी इसे अपनी लाइफ में लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्योंकि मैं ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी वक्त से मैं बुढ़िया सुनता हूँ, और मैं सुनता हूँ कि हमारे जो ग्रेट स्पीकर्स हैं उनकी बातें सुनता हूँ, और कुछ चीज़ें मैं अपने अंदर इनकलकेट करने की कोशिश करता हूँ। बहुत बार नाकामयाब होता हूँ, बहुत बार कामयाब होता हूँ, बट आई थिंक दैट इज़ द प्रोसेस, और वही प्रोसेस हम सबको अपने अंदर लाना चाहिए। तो मैं अपने ईगो की जो बात कर रहा था, तो अभी कुछ वक्त पहले मैं एक शॉप में गया था, और एक इंसिडेंट हुआ उससे, और मुझे एकदम से कुछ बात से ठेस पहुँच गई, और मेरी ईगो हर्ट हो गई, और इसीलिए मेरी थोड़ी कहा सुनी हो गई वहाँ से, और मैं उस दुकान से निकलकर आ गया। जब मैं घर पे आया और मैं बैठा था और अपने आप से मैं बात कर रहा था, तब मैंने रियलाइज़ किया कि सिद्धार्थ ये सब तूने क्यों किया, जस्ट बिकॉज यू फेल्ट डिसरिस्पेक्टेड, यू फेल्ट दैट यू वर क्वेश्चन्ड, और वॉट इज़ दैट, दैट इज़ जस्ट ईगो। एंड जब आप इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, इतने लोगों से लोगों की अच्छी बातें सुनते हैं, तो आपको उससे ही तो काटना है, अगर आप उसे प्रैक्टिस में नहीं ला पा रहे हैं तो फ़ायदा क्या है। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने सोचा, और जस्ट बिकॉज आई वॉन्टेड टू किल माई ईगो, एंड फॉर ऑल द टॉक्स जो मैंने सुनी थी ब्रह्म कुमारी के स्पीकर्स के थ्रू और बुढ़ियों के थ्रू, एंड आई सेड टू माई सेल्फ कि सदा दादा तू ये सब सुन रहा है तो उससे प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, सो दैट्स रियली नॉट वर्थ एनीथिंग। सिर्फ अच्छी बातें सुनना या उनके बारे में जानना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन उसे प्रैक्टिकल यूज़ में लाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं अपने घर से निकला, फिर से उस शॉप में गया, और मैंने उस आदमी से माफ़ी मांगी, उससे सॉरी कहा, और एंड आई लेट इट गो। एंड मैं सिर्फ इसीलिए गया ताकि मैं अपनी ईगो को मार सकूँ, और दिस वॉज अ बिट ऑफ प्रैक्टिस दैट आई परफॉर्म्ड, जो बातें मैंने सुनी उससे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप इतनी अच्छी अच्छी बातें सुने, ये सारी चीज़ें आप भी प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में लाएं और अपनी लाइफ को बेटर बनाएं। हम सब सोचते हैं कि हम चाहते हैं कि ये दुनिया एक अच्छी जगह बने और चीज़ें अच्छे से हों और सब अच्छे से रहें और सब एक दूसरे के साथ प्यार में रहें, और हम लाना चाहते हैं बहुत बड़े चेंजेस दुनिया में, लेकिन हम अपने आप को चेंज नहीं करते। सो टू ब्रिंग द चेंज वी ऑल नीड टू बी द चेंज, एंड आई एम श्योर आज
इतनी अच्छी बातें सुनने के बाद और आप ये कंटिन्यू रखेंगे एंड यू टू विल ब्रिंग अबाउट अ चेंज बाय चेंजिंग योरसेल्फ, सो लेट्स चेंज फॉर द गुड। शांति, मेरा नाम प्रतिमा कनन, एक्ट्रेस हूं, कई फिल्मों और टीवी शोज में काम किया है। कुछ फिल्में हैं जैसे नो एंट्री, एक हसीना थी, वैसा भी होता है पार्ट टू, दबंग थ्री, बदलापुर, और भी कई फिल्मों में काम किया है। इसी तरह टीवी शोज हैं उत्तरन, काला टीका, इश्क रंग सफेद, आजकल एक शो कर रही हूं भाभी जी घर पर है, इसी तरह बहुत सारे शोज किए। तो मैं ये शेयर करना चाह रही थी आपसे कि 2018 में हमें इनविटेशन आया ब्रह्मा कुमारी से, वहां पर कल्चरल विंग का प्रोग्राम था, हमें एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था। हम गए वहां पर, मैं उस वक्त की बात करना चाह रही हूं कि जैसे ही हम माउंट आबू ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दाखिल हुए तो मैं बता नहीं सकती कि एकदम मैं हैरान हो गई। मुझे ऐसे लगा कि जैसे स्वर्ग में हमारी एंट्री हुई हो और ऐसा लग रहा था कि किस जगह आ गए। तो ये प्रोग्राम 6 दिन का था, हमको वहां पे 6 दिन रुकना था, वो 6 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। मेडिटेशन क्लासेस सेमिनार्स का वक्त, सुबह 7 बजे उठते थे, रात होती थी, रात भर हम लोग वहां पर पूरे दिन प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते थे वहां पर, करीब 200-300 लोग थे। ऐसा लगता था जैसे एक परिवार हो हम सब, सबके चेहरे पर एक स्माइल। वहां पर दीदियां इतने प्यार से, भाई लोग हर तरफ, उस 6 दिन में प्यार 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 ही मिला। और प्रकृति की सुंदरता जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इतना खूबसूरत है, कभी मौका मिले तो जाइएगा जरूर ईश्वरी विश्वविद्यालय माउंट आबू। आपको ऐसा लगेगा कि इसको प्रकृति कहते हैं, इतनी सुंदरता, इतनी सफाई और फूलों की, पेड़ों की इतनी खुशबू। हमें वो 6 दिन पता ही नहीं चले कब बीत गए। और आप सोचिए कि वो चीजों ने दिमाग पर इतना असर डाला। मैं बॉम्बे आई, आते ही मैंने 1 वीक का कोर्स किया। कोर्स के बाद शाम को रोज 5 बजे मुरली सुनने जाने लगी सेंटर, बाबा की मुरली, बाबा के घर जाने में जो मेरे अंदर चेंज आया मैं बयान ही नहीं कर सकती आपको। कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि कर्मास सामने आते हैं, बस इतना एक नॉर्मल सी चीज सुनी थी, लेकिन कर्मास कैसे हमारे सामने आते हैं वो सब चीजें मुरली में जाके, सेंटर जाके, दीदी की बातें सुन के क्लियरिटी मिली। कई बारी जिंदगी में सबके परेशानी होती है, कोई पीरियड ऐसा होता है कि सब परेशान होते हैं, मैं भी होती हूं, पर वहां जवाब मिला कि क्यों परेशान होना, ये सब हमारे पिछले जन्मों में हमने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसका आज हमें, हमारे साथ ये घट रहा है। तो बजाय परेशान होने के आपको थैंक्स, यानी कि ये बोलना चाहिए कि बाबा थैंक्स, ये चुकता हुआ, मेरा हिसाब चुकता हुआ, ये चीजें वहां सीखी। और सबसे बड़ी बात, मैं प्रतिमा ये खत्म हुआ। वहां पे पता चला कि हम आत्मा हैं, हम अपना पार्ट बजाने आए हैं, दुनिया एक रंगमंच है, रंगमंच से जुड़ी हूं मैं, लेकिन असली रंगमंच ये है। वहां जाकर पता चला, संगीता बहन और कुसुम दीदी, तपस्विनी बहन, मतलब जितनी बहनों के नाम मैं लू कम है, बड़ी दीदी अपने बोरीवली सेंटर की, सबने मुझे इतना प्यार दिया। आज भी कोई भी फंक्शन कुछ भी होता है, मेरे को बुलाते हैं सब लोग, और इतना मुझे लगने लगा हमारा परिवार हो गया। आजकल लॉकडाउन में बाबा के घर जाना नहीं मिल रहा है,
मुरली सुनने को नहीं मिलती है। वैसे तो सुन ही लेते हैं यूट्यूब पर बाबा के घर जाकर दीदी के मुंह से बाबा की मुरली सुनना, बाबा के घर जाना, बाबा से अपने मन की बात करना वो मिस कर रहे हैं। बस यही बाबा से कहते हैं कि बाबा जल्द जल्द ये परेशानी खत्म हो और हम आपके घर आए, बस कुछ कीजिए जल्दी। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि ब्रह्मा कुमारी से जुड़िए, आपके जीवन में जो चेंज आएगा आप सोच भी नहीं सकते। ओम शांति। लफ्जों की दुनिया बनाई है, ख्वाबों की लय सजाई है, सुरों में सागर सी गहराई है, कलाकार तुम में कई खूबियां समाई हैं। आइए सुनते हैं राजस्थानी फोक फ्यूजन, जोधपुर के सीकर घराने के मशहूर सारंगी वादक शाहरुख खान, सितार वादक सलमान खान और गायक आमिर खान जी के द्वारा। तालरिया मगरिया रे मोरू बैला रे रिया, तालरिया मगरिया रे मोरू बैला रे रिया। आयो रे दुरा बड़ो देश वीरो बिन जारो रे, आयो रे दुरा बड़ो देश वीरो बिन जारो बिन जारो रे, मन लगे प्यारो रे बीरो बिन जारो रे, मन लगे प्यारो रे आयो रे दुरा वालो रे सुरो बिन जारो रे। एहसास जगाने का काम करता है कलाकार, बिखरी हुई भावनाओं को समेटने का काम करता है कलाकार, इंसान की खोई हुई इंसानियत से
मिलाने का काम करता है कलाकार। समाज में कलाकार की क्या भूमिका है, आइए जानते हैं जानी मानी रेडियो जॉकी और वॉइस ओवर आर्टिस्ट ऋचा सयाल द्वारा। This is Richa, a radio jockey and a voiceover artist. Well, art plays an important role in shaping up the culture of the society. और मुझे लगता है एक true artist वो होता है जो public की taste और desires से affect नहीं होता, dominated नहीं feel करता, बल्कि लोगों की life, उनकी सोच और उनके taste को improve करता है अपनी art के through. आई थिंक कलाकार होना, एक आर्टिस्ट होना किसी भी फील्ड में, चाहे वो परफॉर्मिंग आर्ट हो, विजुअल आर्ट हो, लिटरेरी आर्ट हो या फिर कलिनरी आर्ट हो, आप किसी भी तरह के आर्टिस्ट क्यों ना हो, वो आपका आर्टिस्ट होना अपने आप में एक ईश्वर की ब्लेसिंग है, ये एक आशीर्वाद है। You're really lucky if you're an artist. Why? Because it is the best form of expression. आप अपने ideas, अपने thoughts को खुल के express कर सकते हैं और लोगों के सामने present कर सकते हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और अगर इस कला को एक सही platform मिल जाए, opportunities मिलें, तो obviously the कलाकार has to put in lot of एफर्ट, मेहनत करनी पड़ती है, लगन दिखानी पड़ती है, तब जाके एक इंसान एक परिपक्व कलाकार बनता है। तो जब ऐसा होता है तो वो कला जो है वो ना सिर्फ लोगों की जिंदगियों को छूत सकती है बल्कि उनकी जिंदगियों को बदल सकती है। दैट इज़ व्हाट आई फील, एंड आर्ट इज़ पावर। यस, आर्ट में इतनी ताकत है, एक आर्ट इतनी ताकत रखती है कि लोगों की जिंदगियां बदल सके, उनके थॉट प्रोसेस को चेंज कर सके। अब और जब एक कलाकार उस मुकाम तक पहुंच जाता है, पॉपुलर हो जाता है और फेमस हो जाता है, तो आई थिंक ये हर कलाकार का फ़र्ज बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी को के लिए कुछ करे और सोसाइटी को जो उसने अब तक गेन किया है वो सोसाइटी को लौटाए इन सम फॉर्म और दी अदर। इट कुड बी वो उस अपनी आर्ट के ज़रिए ऐसा कर सकता है, या फिर सही तरीके से लोगों को एजुकेट करके कर सकता है, या फिर ग्राउंड लेवल पर जाकर कोई काम कर सकता है। सो इट कुड बी एनी विच वे। अगर हम आज कल की जो सिचुएशन चल रही है, पेंडेमिक, कोरोना जो है, उस सिचुएशन की बात करें, तो लोग इतने कन्फ्यूज्ड हैं। आई मीन द इंफॉर्मेशन इज लिटरली, देयर इज अ बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन एवरीबडीज लाइव्स। किसी को कुछ मालूम है या नहीं मालूम है, पर हर कोई ज्ञान बांट रहा है। सुनने को कोई तैयार नहीं है, नोबडी इज रेडी टू लिसन टू एनीथिंग, अंडरस्टैंड एनीथिंग, बट हर किसी के पास कुछ ना कुछ कहने को है। तो ऐसे माहौल में जब हर कोई अपनी ही धुनी रमाए जा रहा है, हर कोई कुछ ना कुछ, हर गली नुक्कड़, हर कॉर्नर से कोई ना कोई आवाज़ आ रही है, सो माहौल इतना केओटिक हो चुका है, पीपल आर सो कन्फ्यूज्ड, दे आर कन्फ्यूज टू द हिल्ट। तो ऐसे में सही बात, सही इंफॉर्मेशन लोगों, सही इन्फॉर्मेशन, सही बात, सही प्लेटफॉर्म से आम जनता तक पहुंचाना, ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। एंड इट इज़ जस्ट वन ऑफ सच एग्जांपल्स, यू नो, दिस पेंडेमिक सिचुएशन। सो हियर कम्स द आर्टिस्ट कम्युनिटी इनटू द पिक्चर। गवर्नमेंट और
आर्टिस्ट कम्युनिटी मिलकर मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं, ग्रास रूट लेवल से शुरू करके। अब आर्टिस्ट्स जो हैं उनको ऐसा क्यों, आर्टिस्ट्स इसलिए क्योंकि लोग आर्टिस्ट्स को ट्रस्ट करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं एंड दे लुक अप टू देम। तो अगर कोई जाना माना कलाकार कुछ कहता है, पहले तो लोग उस पर ध्यान देते हैं, उस बात को सुनते हैं, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सुनना। तो वो सुनते हैं, फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं एंड काफ़ी हद तक उस पर अमल भी करते हैं। सो दैट्स द पॉजिटिव थिंग। और मैं जिस फील्ड को बिलोंग करती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्राइमरली रेडियो, इट्स सच अ स्ट्रॉन्ग मीडियम टू रीच आउट टू पीपल। चाहे एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और इंफॉर्मेशन का सबसे सस्ता और सबसे इफ़ेक्टिव मीडियम है रेडियो। और रेडियो जॉकीज़ की बातें तो लोग बहुत ध्यान से सुनते भी हैं एंड वी आर ऑलमोस्ट लाइक अ फैमिली मेम्बर टू आर रेगुलर लिसनर्स। सो इट बिकम्स ईजी एंड पीपल डू टेक यू सीरियसली। तो सही बात, सही तरीका और सही सोच जो है वो लोगों तक पहुंचाई जा सकती है वेरी वेरी इफेक्टिवली थ्रू रेडियो। ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है। सो इट्स राइटली सेड दैट द आर्टिस्ट्स आर द ट्रू हीरोज ऑफ द वर्ल्ड ड्रामा। एंड ये बात बिल्कुल सही, बिल्कुल खरी उतरती है, स्पेशली आजकल की सिचुएशन में। थैंक यू। ओम शांति। कलाकार वो परिंदा है जो न केवल खुद उड़ना जानता है बल्कि हर मायूस मुसाफिर को बहलाना भी जानता है, हर बैठे हुए पंछी को उड़ाना भी जानता है। परंतु कलाकार को जो उड़ाता है वो है ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वरीय शक्ति। मेडिटेशन का कलाकार के जीवन में क्या महत्व है, आइए जानते हैं जाने माने प्लेबैक सिंगर मुंबई से मनोज मिश्रा जी द्वारा। गजानन रे गजानन रे गजानन रे गजानन गजानन रे गजानन रे गजानन रे गजानन गजानन रे गजानन रे गजानन रे गजानन गजानन रे गजानन रे गजानन रे गजानन। ओ नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, मैं आप सबों को प्रणाम करता हूं। ओम शांति। और मैं आज बताते हुए बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि ब्रह्मा कुमारी संस्था जो हमेशा से ही पावन कार्य करते हुए आई है, आज उन्होंने कला और कलाकारों के विषय में बहुत बढ़िया सोचा कि कलाकारों को कैसा होना चाहिए, कला का इस वक्त किस तरह से प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, समाज में किस तरह से रोल होना चाहिए, कलाकारों के जीवन में इस वक्त किस तरह का रोल होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है हम कलाकारों के लिए भी, उन कलाकारों के लिए जो भगवान के दिए हुए ऐसे गिफ्ट से नवाजे गए हैं, जो कहते हैं कि संगीत परमेश्वर से मिलने का सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका है। अगर सच्चे मन से सुर निकलते हैं, अगर कलाकार सच्चे मन से आराधना करता है तो वो परमेश्वर को पा लेता है, बहुत जल्दी पा लेता है। बहुत सारे उदाहरण हैं, मीरा के, तुलसी के, सूरदास जी के, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। आज के दौर में मैंने ये महसूस किया, जब मैं गया था एक बार ब्रह्मा कुमारी आश्रम में गया था मैं, तो भगवान से बातें करते हैं ऐसा मैंने फील किया वहां पर। वहां से जब भी मैं, मेरे दिमाग में कोई थॉट आते थे, जब भी मैं उन लोगों को सुनता था तो लगता था कि मैं भगवान की बातें सुन रहा हूं, भगवान के पास आ गया हूं। इसका कारण था मेडिटेशन, ध्यान। वहां जो भी उस आश्रम के द्वारा जो भी क्रियाएं होती हैं लोगों के लिए, चाहे वो ध्यान हो, राजयोग हो, जो भी हो, वो मनुष्य को सीधे परमात्मा से जोड़ने का काम करती हैं। तो आज उसी कड़ी में कलाकारों को आज बहुत धैर्य के साथ इस वक्त, और कहते हैं कि कलाकार सिर्फ अपने लिए नहीं होता,
सिर्फ कलाकार ही इस दुनिया में ऐसा है जो खुद के लिए नहीं होता है, वो समाज के लिए भी होता है, वो देश के लिए भी होता है, वो पूरे विश्व के लिए भी होता है। और इस वक्त खास करके इस कठिन बेला में सबसे पहले तो कहते हैं कि खुद को हम योग से, ध्यान से मजबूत करें, स्वच्छ बने, और उसके बाद इस कला के द्वारा अपने समाज को, देश को भी हिम्मत बंधाएं कि ऐसी घड़ी से हम निकल जाएंगे, जरूर निकल जाएंगे, और पूरे विश्व को भी इससे हम निकालें। और ये प्रेरणा मुझे लगता है कि ब्रह्मा कुमारी जो आज हमें योग सिखा रहे हैं, आज हमें जो ध्यान सिखा रहे हैं, उसमें ये बहुत हेल्पफुल है। मैंने किया है, मैंने देखा है, आप एक बार करें फिर आप अपने तक नहीं रहेंगे, आपकी कला सारे देश के लिए, विश्व के लिए आनंददायक होगी, कल्याणकारी होगी, आपका भी भला होगा, पूरे विश्व का भला होगा। इसी के साथ मैं दो लाइन में बाबा के लिए कहना चाहता हूं, कैसे मिलन हो तेरा बाबा मुझे बता दे, कैसे मिलन हो तेरा बाबा मुझे बता दे, मुझको मेरे कर्म की, मुझको मेरे कर्म की ऐसी तो ना सजा दे, कैसे मिलन हो तेरा बाबा मुझे बता दे। बहुत बड़ा प्रकृति ने, बहुत बड़ा परमेश्वर ने एक संकेत दिया है। तो इस कठिन समय को हम कठिन ना माने बल्कि इसे परीक्षा माने, और परीक्षा में वही पास होता है जिसकी पूरी तैयारी होती है। तो हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप ब्रह्मा कुमारी द्वारा दिए गए योग साधना को आप करें, उसके द्वारा दिए गए सारे क्रियाकलापों को करें, तो अवश्य जीत होगी, अवश्य जीत होगी। नमस्कार, ओम शांति। जिंदगी के सात रंग जिनसे बनते हैं हजारों रंग, मिलते नहीं बाजारों में, बस सुनाई देते हैं गीतों में और उनके साजों में। आइए इस समा को और अधिक रूहानी बनाएं जाने माने म्यूजिक इंडस्ट्री के म्यूजिशियन चिंटू सिंह वजीर जी के मधुर साजों द्वारा। आप मिडल ईस्ट और एथनिक म्यूजिक के सिरताज हैं और आपकी स्पेशलाइजेशन है रबाब, ऊद और साज। My name is Chintu Singh Vasir. The instrument I am going to play is known as Saz, which is normally played in Istanbul, Iran, Kazakhstan and Gulf countries. So before the Sufi song, I would like to play a very famous tune called Dil Yarsi. The kalam I am going to sing is written by Baba Bulesha.
कहंदे ने के लंबियां निरावां इश्क दियां ईता सा की बात सुनावा इश्क दियां कहंदे लोकी लंबियां निरावां इश्क दियां ईता सा की बात सुनावा इश्क दियां अंदर मेरा पार अवश्य जा साया अंदर मेरा पार अवश्य जा साया कहंद लोकी लंबियां निरावां इश्क दियां बात सुनावा इश्क दियां अंदर तू भी बाहर तू भी बाहर तू रोम रोम विच तू ही ताना तू ही बाना सब कुछ मेरा तू अंदर तू भी बाहर तू रोम रोम विच तू ही ताना तू ही बाना सब कुछ मेरा तू कै हुसैन फकीर न माना कै हुसैन फकीर न माना मैं ना ही बस तू ईता सा की बात सुनावा इश्क दियां कहंदे ने कहंदे लोकी लंबियां निरावां इश्क दियां ईता सा की बात सुनावा इश्क दियां कंजरी बनया जात न घटदी कंजरी बनया जात न घटदी नचके यार मनावण दे कंजरी बनया जात न घटदी नचके यार मनावण दे लोक सपनू मुल्ला दे मैनू नचके यार मनावण दे कंजरी बनया जात न खटती नचके यार मनावण दे लोक सखनू मुल्ला दे मैनू नचके यार मनावण दे अज रब नहीं रुसदा अज रब नहीं रुसदा अज रब नहीं रुसदा सौंग पछू जे तू यार बटे दी क्यों पावे ओ जे तू यार बटे दी क्यों पावे जिन यार ने तकिया हज होवे इश्क कहंदे ने कहंदे लोकी लंबियां निरावां इश्क दियां ईता सा की बात सुनावां इश्क दियां
कैंदलों की लंबिया ने रावा इश्क दिया सारी बात सुनावा इश्क दिया एक सारी बात सुनावा इश्क दिया एक सारी बात सुनावा इश्क दिया। दिलों में प्रेम के रंग घोल देता है कलाकार, ना उम्मीद में भी उम्मीद की किरण जग जाए, ऐसे बोल बोल देता है कलाकार। कलाकार का महत्व आइए जानते हैं दिल्ली के मशहूर पोएट और लघु कथाकार गिरीश चावला जी द्वारा। मेरा नाम गिरीश चावला है। ये मेरा सौभाग्य है कि ब्रह्म कुमारी जी ने मुझे इस काबिल समझा कि उन्होंने मुझे अपने कार्यक्रम में आने का मौका दिया। मैं जब से रंगमंच से जुड़ा हूँ, साहित्य से जुड़ा हूँ, तब से मैंने ये अनुभव किया है कि एक कलाकार ही लोगों को जिंदगी दे सकता है। जब हम बात अपनी कहते हैं, जो भी बात हम दिल से कहते हैं, तभी वो दिल तक पहुंच पाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब तक अगर हम बात कोई ऐसी भी कह जाते हैं जिस तरीके से हमें दर्शक हमें छिटक देते हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश रहती है। जिस तरीके से आप देखिए कि सर्कस में जोकर जो है वो सबको हंसाता है, लेकिन उस जोकर के पीछे उसके जो आंसू हैं, या उससे कुछ वक्त पहले जो उसने अपनी किसी भी गम की बात को अपने अंदर समेटा था, वो कभी भी दर्शकों को जाहिर नहीं होने देता। वो सिर्फ हंसाता है, और हंसाना तो एक इबादत है। परंपरा व्यक्ति की अभिव्यक्ति व्यक्त करती है, और इसका हमें पूरा का पूरा ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। मैं तो किसी भी कला के क्षेत्र के जो लोग हैं, कलाकार हैं, उन सभी का अभिवादन करता हूं और उनके जज्बे को सैल्यूट करता हूं। कुछ पंक्तियां मैंने लॉकडाउन के दौरान लिखी थी ताकि समाज को वो प्रेरित कर सकें, आपके समक्ष रखूंगा मैं। एक सपना है कोरोना को हराने का। खुली आंखों से देखा है मैंने एक सपना, खुली आंखों से देखा है मैंने एक सपना, इंसानियत का, मोहब्बत का, जज्बातों का, कोरोना वायरस की हार का, गिड़गिड़ाते हुए हमसे माफी मांगने का। खुली आंखों से देखा है मैंने एक सपना, इंसानियत का, मोहब्बत का, जज्बातों का, कोरोना वायरस की हार का, गिड़गिड़ाते हुए हमसे माफी मांगने का। विधाता की अहम संरचना हो तुम, भूल बैठे उसी को तुम। विधाता की अहम संरचना हो तुम, भूल बैठे उसी को तुम। अहंकार की बेलों पर झूलते रहे तुम, जख्मी इंसानियत की तमाश बीन रहे तुम। दिलों की दूरियां तो बढ़ रही थी तुम्हारी, अब स्पर्श से भी महरूम हो रहे तुम। स्पर्श प्रियतमा का, आशीर्वाद का, दोस्तों का। यमराज का शंख गूंज रहा है, मौत अपनी आगोश में लेने को आतुर है। ढूंढ लो रास्ते दिलों को जीतने के, एकजुटता के, बढ़ा लो कदम मोहब्बत की क्षमा जलाने के। लौट आएंगे दिन उह उह करके, प्यार का इजहार करने के, जादू की झप्पी से रूह तक पहुंचने के। बढ़ेंगे फिर अनजाने हाथ दोस्ती के गालों से आंसुओं को पहुंचने के, सजेंगे माथे आशीर्वाद के चुंबन से, चरण स्पर्श से खुलेंगे रास्ते जन्नत के। खुली आंखों से देखा है मैंने एक सपना, कोरोना वायरस की हार का, गिड़गिड़ाते हुए हमसे माफी मांगने का। गीतों में वो जादू है जो गाने वाले गुनगुनाने वाले,
सुरताल मिलाने वाले और सुनने वाले सभी के मन को विभोर कर देते हैं। आइए सुनते हैं क्लासिकल संगीत के उभरते हुए सितारे अंजलि व नंदिनी गायकवाड़ द्वारा ये सुंदर प्रस्तुति। आप जी टीवी सारेगामा पा लिटिल चैंप्स के विनर रह चुकी हैं, अनेक राष्ट्रीय व राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं के भी आप विजेता रहे हैं। Hey,
संजीदा मौसम को जो रंगीन कर देता है कलाकार, वो शख्स है जो पत्थर में भी जान भर देता है। आइए सुनते हैं गुजरात अहमदाबाद के टीवी व फिल्म जगत के जाने माने कॉमेडी एक्टर सीरज रंगवाला जी का मर्म स्पर्शी अनुभव। अहमदाबाद के वतनी रंग के व्यापारी सिराज रंगवाला
आज प्रस्तुत करते हैं देव ताली। वाह 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 वाह। आंखों में मुस्कान और चेहरों पे खुशियों की लाली, क्या आंखों में मुस्कान और चेहरों पे खुशियों की लाली, लाखों खुशियां लेकर आए आपकी जिंदगानी। वाह 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 वाह। जो दिव्य गुणों की शिक्षा दी जाती है वो कमाल की है, पूरा जीवन बदल जाता है कुछ ही दिनों में। हाँ, हमने सोचा इस दिव्य गुणों को लेकर क्यों ना प्रोग्राम बनाया जाए। बाबा की बातों, ज्ञान की बातें, एक ही ईश्वर के बारे में बहुत इंटेलिजेंट चुटकुले के साथ हमने प्रोग्राम बनाया। हाँ, लोगों ने इतना सराहा, वेलकम किया कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, पढ़े लोग अनपढ़े लोग, सभी लोगों ने मुझे वेलकम किया। भारत के सभी राष्ट्रों में मैंने अपना शो दिखाया। 10,000 से भी अधिक शो हो गए। हाँ, और फिर मैंने गिनती बंद कर दी। हम कलाकार जब अच्छी बातों को लेकर समाज के सामने आते हैं तब समाज भी उतना ही आदर और सम्मान हमारा करती है। जब भजन सत्संग होता है तब, जब कथाकार कथा सुनाते हैं तब मुझे अक्सर बुलाया जाता है। कौमी एकता का मिसाल बन जाता हूँ। वाह 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 वाह। मुझे कौमी एकता का शांति दूत का भी अवार्ड मिला है। हाँ, गुजरात के बड़े बड़े संतों ने, जैसे कि मोरारी बापू, रमेश जी ओझा, अहमदाबाद का पुनीत आश्रम से, अहमदाबाद संन्यास आश्रम से, बहुत सारी जगह से, और मुस्लिम समाज से, शेख कम्युनिटी, सैयद लोगों से, पठान लोगों में, मेमन लोगों में, खोजा लोगों में, और हमारे बोहरी समाज में भी मुझे खूब सम्मान मिला और बहुत सारे प्रोग्राम किए। माउंट आबू और गुजरात के बहुत सारे सेंटरों पर भी हमने प्रोग्राम किए। बाबा ने कमाल कर दिया, इस कलाकार को धन्य कर दिया। वाह बाबा वाह। अरे बंदगी करो तो ऐसी करो कि खुदा खुश हो जाए, कि बंदगी करो तो ऐसी करो खुदा खुश हो जाए। अरे खुदा को मिलने तुम क्या जाओ, खुदा खुद मिलने आए। हाँ बाबा आए और मुझे निमित्त बना दिया। वाह बाबा वाह। वाह मेरा जीवन वाह, सफल बना दिया। बहुत धन्यवाद बाबा, मेरा जीवन सफल कर दिया। मन के भाव जब पैरों से थिरकने लगे, दिल की आवाज जब हाथों से गुफ्तगु करने लगे, जज्बात जब नजरों में नजर आने लगे, तो उसे नृत्य कहते हैं। आइए सुनते हैं नृत्यावली इंस्टीट्यूट के फाउंडर और मशहूर डांसर भरत बरिया और अक्षय पटेल जी का ये दिल को छूने वाला अनुभव। कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ब्रह्मा कुमारी आगू से हमें आमंत्रण मिला। मैं थैंक यू कहना चाहता हूं
आज हम लोग ऐसी परिस्थिति में से पसार हो रहे हैं। एक कोरोना वायरस ऐसी चीज आ गई है हमारे देश में, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए और कोई डरने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ शिव है, शक्ति है हमारे साथ, हम जरूर उनका सामना करेंगे। मैं एक पंचमहाल छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। हमें नृत्य का बहुत शौक था। तभी मैं 10 साल का था, मल्लिका सारा भाई यहाँ पे शूटिंग के लिए आई थी मेरे गांव में, और उनका नृत्य देखकर मैंने भी परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया। उन्होंने हमें बुलाया और कहा, आप कहाँ पे रहते हो? मैंने बताया, मुझे नृत्य का बहुत शौक है, हमें नृत्य सीखना है। हमारे गांव में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि हमें नृत्य सीखने का कुछ मौका मिले। दीदी ने हमें बताया कि आप अहमदाबाद चलो मेरे साथ। मैं अहमदाबाद गया, वहाँ पर हमें अम्मा, हम प्यार से अम्मा कह के बुलाते हैं, मृणालिनी सारा भाई को हमें मल्लिका जी ने सौंपा। उन्होंने हमें बड़े प्यार से, मेरे में रही सुसुप्त कला को ममता से बाहर लाकर, जैसे कि भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मार्शल आर्ट, कलरीपायट्टू, कन्याकुमारी से लेकर काश्मीर तक के सभी नृत्य में मुझे उन्होंने ट्रेनिंग दिया और पारंगत किया। आज मैं अहमदाबाद में एक वट वृक्ष की तरह खड़ा कर दिया। तो ऐसे हम सोशल मैसेजेस भी हम देते हैं नृत्य के थकी कि शरीर के ऊपर अपने शरीर को कितने हम है, हम शरीर को कितना अपने को संभालना पड़ता है, तो उसके जरिए कैसे हमें काम करना पड़ता है। तो हमने वो नृत्य द्वारा में अलग अलग मैसेजेस दिए हैं, और हमने जैसे कि कैंसर हॉस्पिटल, ओल्ड एज होम, पोलियो हॉस्पिटल और कन्या शाला, ऐसे अलग अलग संस्थाओं में हमने मैसेजेस द्वारा नृत्य के प्रोग्राम किए हैं, और गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के भी, वाइब्रेंट गुजरात के कई कई फेस्टिवल में हमने भी बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं। बस मैं अपने दर्शकों को, फॉलोअर्स को बस यही कहना चाहता हूँ कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें डर के आगे जीतना है और मुसीबत का सामना करना है। तो आप हर दिन अपने मन को शांत रख के, हम जो दौड़ भाग करते हैं और मन को शांत नहीं मिलते हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो हमें योगासन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए। कला के हृदय में भाषा छिपी होती है, इसीलिए तस्वीरों को देखकर, शब्दों को पढ़कर, गीतों को सुनकर और नृत्य को देखकर सभी को बहुत खुशी होती है। आइए सुनते हैं ग्रीटिंग्स, जी टीवी सारेगामापा लिटिल चैंप्स 2020 की फर्स्ट रनर अप वेस्ट बंगाल से रोनिता बनर्जी की सुरीली आवाज में। रोनिता बनर्जी, ये चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये अद्भुत जात। चतुर नार करके सिंगार, चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये अद्भुत जात। हम मरत जात, अरे ए ए ए। पूरी ने दिया है शॉट बस्टर। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है रोनिता बनर्जी। मैं सिंगिंग के साथ बहुत दिनों से जुड़ी हुई हूँ और मैं जी टीवी सारेगामापा लिटिल चैंप्स 2020 का फर्स्ट रनर अप हूँ, और ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ मेरा बहुत दिनों से कनेक्शन है, और उन लोगों के वजह से मुझे अभी मेडिटेशन भी बहुत अच्छा लगता है। और अब मेरा जर्नी जब शुरू हुआ था सारेगामापा, जी बांग्ला सारेगामापा लिटिल चैंप्स से, तब से वो लोग मेरे साथ हैं, और अब मैं जहाँ भी पहुँची हूँ वो मेरे माता पिता और मेरे परमात्मा की कृपा से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। तो आज मैं आप सबके लिए एक छोटा सा गाना सुनाती हूँ।
हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों के जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, भेद भाव अपने दिल से साफ कर सके, भेद भाव अपने दिल से साफ कर सके, दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके, झूठ से बचे रहे, सच का दम भरे, दूसरों के जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना। थैंक यू। कला वो रोशनी है जो अंधकार मिटा देती है, कला वो नजरिया है जो नज़ारे बदल देती है, कला वो जुनून है जो हर आरजू को मुकम्मल कर देती है। आज के सत्र में अपने ग्रीटिंग्स प्रदान कर रहे हैं दिल्ली शहादरा विधानसभा के MLA आदरणीय राम निवास गोयल जी। मेरी जानकारी में आया कि ब्रह्मा कुमारी संस्था जो है पूरे विश्व पटल पर जितने भी कलाकार हैं अपने अपने क्षेत्र में एक कलाकार दिवस के रूप में उनको सम्मानित कर रही है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। ब्रह्मा कुमारी से मेरा लगभग 40 वर्ष पुराना संबंध है। मैं माउंट आबू भी, मानेश्वर भी अनेक कार्यक्रमों में मेरा जाना रहा। कलाकार हर व्यक्ति जो पृथ्वी पर आता है वो एक किसी न किसी क्षेत्र में कलाकार के रूप में कार्य करता। कला के विभिन्न आयाम हैं। मैं अपने परिवार को ठीक ढंग से चलाता हूँ, परिवार चलाने की कला में निपुण हूँ, तो मैं भी कलाकार हूँ। केवल मनोरंजन में लगे हुए व्यक्ति ही कलाकार नहीं, समाज का मनोरंजन के अतिरिक्त उनका एक विकास करते हैं, बहुमुखी विकास करते हैं। खिलाड़ी भी बहुमुखी विकास करता है, वो भी कला है, तीरंदाजी कला है अपने आप में। तो मैं ऐसे कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। कला ये बात ठीक है कि खून में रहती है, लेकिन इसके साथ साथ कला डेवलप भी की जाती है। एक महाभारत का बहुत बड़ा उदाहरण है एकलव्य का, कि वो तीर सीखना चाहते थे, तीर अंदाज बनना चाहते थे, एक कला में निपुण होना चाहते थे, लेकिन उस व्यक्ति को कोई सिखाने वाला नहीं मिला और गुरु द्रोणाचार्य ने उनका अंगूठा मांग लिया। उसके बावजूद भी उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाकर और उसे कला में निपुणता हासिल की और अर्जुन से भी ऊपर पहुंच गए। कला जो है व्यक्ति में बहुत कुछ दे जाती है, बहुत कुछ आगे बढ़ने का अवसर देती है। मैं संस्था को अपनी ओर से, दिल्ली विधानसभा की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कलाकारों का जितना हौसला बढ़ेगा, जितना हम उनको मोटिवेट करेंगे, उतना समाज ज़्यादा मोटिवेट होगा, उनका हौसला बढ़ेगा। दूसरा विषय कोरोना का है, पूरा विश्व इसमें घिरा हुआ है, 10 लाख से लोग ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और दिल्ली भी उससे अछूती नहीं है, भारत उससे अछूता नहीं, लगभग 1 लाख लोग भारत में भी मृत्यु का ग्रास बन चुके हैं। मैं कोरोना के विषय में इतना ही कहूँगा कि एक महामारी हमारे देश में आई है। इस महामारी में हमको खुद आगे बढ़कर सचेत रहकर अपने आप को बचाना पड़ेगा। मैं अपने आप को बचाऊँगा, समाज बचेगा। बहुत लोग
मास्क नहीं पहन रहे, समझ नहीं आता क्यों मास्क नहीं पहन रहे। मैं युवा पीढ़ी से विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि मास्क पहन के निकलें, मास्क के लिए आग्रह करें और मास्क जिन्होंने नहीं पहना हो उनको दें। केवल मास्क ही इसका बचाव है। अब दिल्ली सरकार ने, दिल्ली में कोरोना बहुत फैला, जुलाई के महीने में बहुत ज़्यादा था, जून के महीने में बहुत ज़्यादा था, हमने उसको कंट्रोल किया। अब फिर सेकंड फेज में फिर बढ़ा है, दिल्ली में व्यापार खुले, मेट्रो खुले, DTC खुले, उससे बढ़ा है, लेकिन धीरे धीरे कंट्रोल कर रहे हैं। निश्चित रूप से कोरोना महामारी पर हम विजय प्राप्त करेंगे, बहुत जल्दी विजय प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, ओम शांति। आपने हमारी ये कॉन्फ्रेंस देखी, सुनी, तो देखते और सुनते तो हम लोग बहुत कुछ है अपने लाइफ में, लेकिन सवाल ये है कि हम कर कितना पाते हैं। तो आप सब भाई बहनों से ये गुजारिश है मेरी कि आपने कुछ चीज़ें नोट की होगी, कुछ अपने दिमाग में नोट की होगी, कुछ आपने अपने डेली रूटीन में अपने आप को कैसे चेंज करना है वो शायद कुछ ज़रूर नोट किया होगा। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप ज़रूर इस आध्यात्मिक पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। पढ़ाई हमेशा कंटिन्यू रखी जाती है क्योंकि ये हमारी पढ़ाई ऐसी है कि दिन रात हमारे में कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहता है, कुछ न कुछ बेटरमेंट, अच्छे विचार हमारे आते रहते हैं और अच्छे कर्म हमारे होते रहते हैं। तो सचमुच हम समझें कि अब हम कलाकारों के ऊपर पूरे समाज की, पूरे देश की जिम्मेवारी है। हमें ऐसे रोल मॉडल और ऐसी सृष्टि, ऐसा भारत, ऐसा समाज बनाना है कि जहाँ पर किसी भी प्रकार की थोड़ी सी भी खराबियाँ ना हो। तो ये कॉन्फ्रेंस हमारी ख़त्म नहीं हुई है। फॉर द फर्स्ट टाइमर्स दिस इज द बिगनिंग ऑफ न्यू लाइफ। हम जो कलाकार हैं, कलाकार के अंदर भगवान ने ऐसी एक निराली दृष्टि दी है, ऐसी शक्ति प्रदान की है कि वह अपने कला के माध्यम से मनुष्य के जीवन में कई प्रकार का आनंद, खुशियाँ लुटा सकता है। तो आज हमारा जो ये विषय है कि जो हम अपने आप को विश्व नाटक में एक नायक समझे, और वो भी प्रैक्टिकल में, जो भी हम कर्म करते हैं तो आज हमारे कर्मों पर, हमारे वाणी पर, हमारे आहार व्यवहार पर हमें बहुत ध्यान देना होगा। और कलाकारों के जीवन में अगर यह तीन बातें जो मैं सुना रही हूँ, यह अगर वो अपने ऊपर ध्यान रखेंगे तो सचमुच प्रैक्टिकल में वो हीरो बन जाएगा। एक तो है, सबसे पहले वो अपने ऊपर फुल अटेंशन रखे और स्मृति में रखे कि मैं ये विश्व नाटक में बहुत बड़ा पार्टधारी हूँ या हीरो हूँ। और दूसरी बात है कि अपने आप को अपने कर्तव्य की जिम्मेवारी बराबर निभाए। जैसे आज घर का मुखिया होता है, वो समझता है कि घर की सारी जिम्मेवारी या वो कर्तव्य मेरे ऊपर निर्भर है, वैसे ही आज जो हीरो अपने आप को समझे तो अपने कर्मों पर इतना ध्यान दे और यह ध्यान में रखे कि मैं जैसा कर्म करूँगा मुझे देख दूसरे भी करेंगे। फिर से आप सभी कलाकारों का, विश्व नाटक के अंदर नायकों का बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और यही शुभकामना करती हूँ कि आप अपने जीवन में अनेक प्रकार की खुशियाँ अपने जीवन के अंदर भी लाओ तथा जो भी कला प्रेमी आत्माएँ हैं उनके जीवन में भी खुशियाँ प्रदान करो। यही आपका आज समाज के लिए बहुत बड़ा संदेश होगा, यही बहुत बड़ी सेवा होगी। नफरत में प्रेम के रंग बिखेरना कलाकार ही जानता है, पत्थर से मूरत बनाना कलाकार ही जानता है, डूबे हुए बेड़े को
पार लगाना कलाकार ही जानता है। यूं तो व्यक्ति का प्रत्येक कर्म ही एक कला है, इसलिए सतयुगी देवी देवताओं का गायन है कि वह 16 कला संपन्न थे। आइए हम सब भी मनुष्य से देव बनने के इस ईश्वरीय कार्य में सहयोग दें। सृष्टि रंगमंच पर हीरो किरदार निभाकर एक स्वर्णिम दुनिया का आगाज करें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सभी से लेते हैं इजाजत, लेकिन जाने से पहले आइए एक नजर दौड़ाते हैं इस संपूर्ण ई कॉन्फ्रेंस की महत्वपूर्ण झलकियों पर। मैंने अपने करियर के शुरुआत में बहुत ऐसा वक्त देखा है जब आगे का रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। ये जो अकेलापन हम लोग आजकल महसूस कर रहे हैं वो बहुत सारी चीजों का एक जिसे कहते हैं रूट कॉज है। हेरी सखी मंगल गौरी धरती अंबर सजाओरी उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। मेडिटेशन माना ही इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। सकल तत्व सार तुम योग मूला धार तुम। एक पॉजिटिविटी है, एक प्यार है, एक केयर है, एक रिश्तों की अहमियत है, रिश्तों को इज्जत देना है। हर कलाकार का ये फर्ज बनता है अपनी सोच को लेके इतने पॉजिटिव हों कि लोग जो हमें फॉलो करते हैं उनको सही रास्ता मोटिवेशन मिल पाए हमारे थ्रू। रुताए उदासियां सदा नहीं हो रहनिया। कुमारी के आर्ट एंड कल्चर विंग की जो मीटिंग चल रही है, कॉन्फ्रेंस चल रही है, आप सबको मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। द बेस्ट थिंग अबाउट म्यूजिक टू मी इज आपके सुर भी अगर ठीक नहीं लग रहे होंगे, आनंद जो मिलता है उसके पीछे का वो बड़ा ठीक होगा। आप जब आप कुछ क्रिएट करते हैं आपको लगता है कि आपने बेस्ट किया है, पर तभी शायद लोगों को पसंद ना आए तो हम उससे बहुत हर्ट हो जाते हैं, बहुत बार मायूस हो जाते हैं। We should use our art, our talent to tell stories which can inspire people to be better human beings. Har ek sur mein rang dhanak ka tere naam. Ab jab pata chala ki andar itni badi achhi duniya hai, abhi bahar bhatakne ka man nahi kar raha hai. Apne man ko shant karo. सुनो वो भी कुछ कह रहा है। ना कोई फरमाइश जो हुए नजर की बारिश, तेरे कर्म से हो गए पूरी वो सारी ख्वाहिश। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। फेलियर से हमें जरा भी नहीं डरना चाहिए, बिकॉज यू नेवर फेल, ईदर यू विन और यू लर्न। मैंने ब्रह्म कुमारी को सुनना शुरू किया है, मुझे लगता है कि मैं एक बेटर पर्सन बन गई हूँ और मैं जिंदगी को ज्यादा अच्छे से जीने लगी हूँ। हम सब जानते हैं कि हम एक बहुत चैलेंजिंग, बहुत मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं, लेकिन दोस्तों वक्त है, गुजर जाएगा। हमारे पास ब्रह्म कुमारी की स्पिरिचुअल टीचिंग्स हैं, उन्हें सुनिए। सखी मैं अंग अंग आज रंग डार दूं, अपने जिस प्रेम रंग कैसे मैं उतार दूं। एनी आर्टिस्ट एक्चुअली कैन कनेक्ट टू द पीपल्स हार्ट, तो वो जो दिल से कनेक्ट होने वाली जो खूबसूरती है
वो अपने आप में इतनी स्ट्रॉन्ग है। कॉफी, सिगरेट्स, पेन किलर्स, क्योंकि करते करते एक समय हेडेक भी हो जाते हैं, शरीर भी स्वस्थ नहीं रहता, तो आप दवाई लेके काम करते हो, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि ये सही तरीका नहीं है। दो गज की दूरी का अंतर आपस में रख सकते हैं। देश के लोगों को इकट्ठा करना, एकजुट करना, उसमें संगीत ने बहुत काम किया। पानी छोला डाल्या, सुन सखी रे, चल सखी रे, हम मिलजुल झूला झूले रूहानी। रमगुलवानी तो आर बिल्डिंग द लाइट इटसेल्फ, दे आर ब्रिंगिंग लाइट इन द डार्कनेस। का जो राजयोग है वो आपको इन सारी चीजों से लड़ने की शक्ति देता है, ताकत देता है। I personally feel that they are the instruments in the hands of the Almighty, and they have the power to amend the psychology of the society and give it a better shape. Nanak da put haan tera, tera to langa. Kaun the Prajapita Brahma, jo Ishwariya Vishwavidyalaya ke founder hain? एक ऐसी चीज है जो हम सब में नहीं होनी चाहिए, एंड लाइक वी ऑल नो दैट वी शुड स्किप द ई एंड लेट इट गो, पर बहुत बार ये जानने के बाद भी इसे अपनी लाइफ में लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, मैं प्रतिमा, ये खत्म हुआ, वहाँ पे पता चला कि हम आत्मा हैं, हम अपना पार्ट बजाने आए हैं, दुनिया एक रंगमंच है। और रेडियो जॉकीज की बातें तो लोग बहुत ध्यान से सुनते भी हैं, एंड वी आर ऑलमोस्ट लाइक अ फैमिली मेंबर टू आवर रेगुलर लिसनर्स। तो सही बात, सही तरीका और सही सोच जो है वो लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। संगीत परमेश्वर से मिलने का सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका है। अगर सच्चे मन से सुर निकलते हैं, अगर कलाकार सच्चे मन से आराधना करता है, तो वो परमेश्वर को पा लेता है।
सब रिश्ते सब नाते हम सब कुछ अपना भूल गए। जब मिट्टी ने आवाज दी हम फर्ज निभाने निकल पड़े। सब रिश्ते सब नाते हम सब कुछ अपना भूल गए। जब मिट्टी ने आवाज दी हम फर्ज निभाने निकल पड़े। Indeed.